नाउ वी विल सी टास्क टू। और आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको दो क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक इन द वर्ल्ड टुडे, कि आज वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूज़िक हैं। वाई डू वी नीड म्यूज़िक, हमें म्यूज़िक की ज़रूरत क्यों है। इज़ द ट्रेडिशनल म्यूज़िक ऑफ अ कंट्री मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरनेशनल म्यूज़िक दैट इज़ हर्ड एवरीवेयर नाउअडेज़। क्या जो कंट्री का ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल म्यूज़िक से, जो कि आजकल हर जगह सुना जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है दैट व्हाई डू वी नीड म्यूज़िक, हमें म्यूज़िक की ज़रूरत क्यों है। एंड सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या कंट्री का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो इंटरनेशनल म्यूज़िक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इट मीन्स आपने इन दो क्वेश्चंस का आंसर करना है अपने एसे में। नाउ वी विल सी कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे। हमने देखा था टास्क टू में कि सबसे पहले हमने कॉमन लाइन देनी होती है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट म्यूज़िक हैज़ बिकम द इररिप्लेसिबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये सच है म्यूज़िक जो है वर्ल्ड का इररिप्लेसिबल पार्ट बन गया है। इररिप्लेसिबल मीन्स जिसे प्लेस नहीं रिप्लेस नहीं किया जा सकता। देर आर प्लेथोरा ऑफ एक्सप्लेनेशंस फॉर द नेसेसिटी ऑफ म्यूज़िक इन सोसाइटी, सोसाइटी में म्यूज़िक की ज़रूरत को हम बहुत सारे वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लेथोरा मीन्स बहुत सारे। अलोंग विद दिस आई होल्ड द परसेप्शन दैट, अब हमने अपना व्यू बताना है कि हमें म्यूज़िक की ज़रूरत क्यों थी। वो तो हमने बता दिया कि हम बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसके लिए। अब हमने बताना है कि कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं। आई होल्ड द परसेप्शन दैट ऑल दो इंटरनेशनल म्यूज़िक गेनिंग ग्राउंड बट इट विल नॉट ओवर शेडो द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल म्यूज़िक, कि इंटरनेशनल म्यूज़िक जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है बट वो ट्रेडिशनल म्यूज़िक के सिग्निफिकेंस को ओवर शेडो नहीं कर सकता, मीन्स उसे कम नहीं कर सकता। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम BP1 देखेंगे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कमेंसिंग विद द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन्स वाई म्यूज़िक इज़ कॉन्टेम्पलेटेड एज द नीड ऑफ द आर, कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न से कि म्यूज़िक जो है उसे क्यों आजकल समय की ज़रूरत माना जाता है। इट अपलिफ्ट्स द एनर्जी लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, ये किसी भी इंडिविजुअल के एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, उसे एनर्जेटिक फील कराता है। इंस्टेड ऑफ लिविंग पीपल इन अ कॉन्स्टेंट और यूजुअल स्टेट, अ टाइप ऑफ म्यूज़िक बी इट सूथिंग और बीट जस्ट स्टिमुलेट्स द पर्सन टू इंजॉय इट। क्या कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को एक कॉन्स्टेंट में या फिर यूजुअल स्टेट में छोड़ने की बजाय, बोर होने की बजाय, किसी भी टाइप का म्यूज़िक, बेशक वो सूथिंग मीन्स बिल्कुल रिलैक्सिंग हो या फिर बीट म्यूज़िक हो, वो क्या करता है उसको पर्सन को इंजॉय करने के लिए स्टिमुलेट करता है, मीन्स उसे इंजॉय करवाता है। मोर ओवर इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर इन द फास्ट पेस एरा, कि आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में वो एक स्ट्रेस रिमूवर का वर्क करता है, स्ट्रेस को रिमूव करता है। मतलब ये जो है मोर ओवर से हमने सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर दिया। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, उसको एक्सप्लेन किया, देन मोर ओवर के बाद हमारा ये सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया है। नाउ म्यूज़िक प्लेज अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन हीलिंग द टेंस्ड माइंड एंड गिविंग रिलैक्सेशन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वीक, कि म्यूज़िक जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेंस्ड माइंड को हील करने में और आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क के हमें रिलैक्सेशन देने में। देन हमने सेकंड पॉइंट को जब एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने एक एग्जांपल देना है। हम ये फर्स्ट पॉइंट के साथ भी दे सकते थे अगर हमें फर्स्ट पॉइंट के साथ रेलिवेंट एग्जांपल मिलता है, अदरवाइज हम सेकंड के साथ भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी दे सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल दिया, द बेस्ट सूटेड एग्जांपल फॉर दिस कैन बी सीन इन म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी में हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। विच सकॉर्स, सकॉर्स मीन्स हेल्प करता है इन रिलैक्सिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ अ स्ट्रेस्ड पर्सन, स्ट्रेस्ड पर्सन के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में। अब हम BP2 में सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। BP1 में हमने फर्स्ट का आंसर कर दिया था कि हमें म्यूज़िक की ज़रूरत क्यों है। हमने टू पॉइंट्स बनाए थे कि इससे क्या होता है, लोग एनर्जेटिक फील करते हैं और ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल म्यूज़िक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्रेडिशनल म्यूज़िक। नाउ वी कैन स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द प्रोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल म्यूज़िक, कि अगर हम ट्रेडिशनल म्यूज़िक की इंपॉर्टेंस की तरफ शिफ्ट करें, इट गिव्स असिस्टेंस
इन द नरिशमेंट ऑफ कल्चर, ये कल्चर को नरिश करने में असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प देता है। सिंस एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक रिफ्लेक्ट्स द कल्चर एंड बैकग्राउंड ऑफ अ सर्टेन टेरिटरी, कि जैसे कि हर एक टाइप का जो म्यूजिक है वो उसकी अपनी खुद की एक कल्चरल, जैसे ट्रेडिशनल जो है कल्चर जो है बैकग्राउंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टेरिटरी हमने किसी कंट्री स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ किया है। इट कम्युनिकेट्स विद पीपल अबाउट प्री हिस्टोरिकल टाइम्स एंड अदर एस्पेक्ट, ये लोगों के साथ प्री हिस्टोरिकल टाइम्स के बारे में मतलब उनसे बातचीत करता है, इट मीन्स उन्हें बताता है और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। दस यंग जनरेशन नॉट ओनली फील्स अटैच टू देयर रूट्स बट ऑल्सो कैन इन्हेंस देयर नॉलेज, इट मीन्स कि से यंग जनरेशन जो है वो सिर्फ अपने रूट्स के साथ अटैच फील नहीं करती बल्कि अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकती है क्योंकि उन्हें ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इट कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय पंजाबी सॉन्ग्स, अब हमने इसमें एग्जांपल ऐड कर दिया है पंजाबी सॉन्ग्स का, विच डिपिक्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पंजाबी अटायर्स, मीन्स जो पंजाबी अटायर्स के बारे में, उनके कल्चर रिचुअल्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी ज्वेलरी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में और उनका फोल्कलोर कल्चर कैसा है पंजाब का। ठीक है, एंड टीच द यंगर जनरेशन अबाउट द सेम, और जो यंगर जनरेशन है जिन्होंने उस टाइम को नहीं देखा उन्हें इस बारे में बताते हैं। एट लास्ट कंक्लूजन टू इनकैप्सुलेट आफ्टर रीइटरेटिंग मीन्स एक बार दोबारा पढ़ने के बाद, इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद, द एफोरे मेंशन पॉइंट्स मीन्स जो पॉइंट ऊपर मेंशन किए हैं उन्हें एक बारी रिव्यू करने के बाद, आई लैंड ऑन टू अ कंक्लूजन, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूं दैट म्यूज़िक हेल्प्स इन एलिविएटिंग पीपल्स ओवर एक्टिव बर्डन, मीन्स जो म्यूज़िक है वो लोगों का एलिविएट मीन्स लोगों का जो ओवर एक्टिव बर्डन है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है बाय अम्यूजिंग देम, उन्हें अम्यूज करने में। एंड इंटरनेशनल म्यूज़िक इज़ प्लेइंग एन एसेंशियल रोल, इंटरनेशनल म्यूज़िक जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ओवर द ग्लोब मीन्स पूरे वर्ल्ड में, बट ट्रेडिशनल म्यूज़िक सेव्स द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो सोसाइटी का कल्चर एंड ट्रेडिशन को सेव करता है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा इस टास्क को लिखने के बाद, इसमें जो भी आपने न्यू वोकैब वर्ड्स लर्न किए हैं, यूज़ किए हैं, उन्हें आपने टास्क के नीचे लिख देना है एंड साथ साथ में उनके मीनिंग्स भी लिख लेने हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुए किसी चीज़ के मीनिंग, देन यू कैन आस्क। थैंक यू।